न्यूज टीवी इंडिया में मैं हूं आपके साथ दीपा उपाध्याय। जयपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर रेलवे जंक्शन निदेशक जयप्रकाश ने शुक्रवार को दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें स्टेशन की साफ सफाई, सुरक्षा, यात्रियों की सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं के जायजे के बाद निदेशक जयप्रकाश ने अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान स्टेशन निदेशक जयप्रकाश ने जयपुर स्टेशन पर अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई, तो वहीं साथ ही साथ व्यवस्थाएं सुधारने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जयपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक सुरेश चंद्र भारद्वाज सहित स्टेशन के अधिकारी भी साथ रहे। स्टेशन निदेशक जयप्रकाश ने टिकट खिड़की पर यात्रियों की भीड़ देख स्वचालित टिकट मशीन, प्लेटफॉर्म टिकट मशीन लगाने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। स्टेशन के पार्किंग गेट पर सख्ती बरतने की आवश्यकता बताई, तो स्टेशन पे लगे पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड के चारों ओर ईंटों की बाउंड्री बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ निदेशक ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि प्लेटफॉर्म से गाड़ी नहीं बदले, यदि किसी परिस्थितियों में गाड़ी बदली जाती है तो एक घंटे पहले ही गाड़ी बदला जाए। इसके लिए एक घंटे पूर्व यात्रियों को उद्घोषणा कर जानकारी दी जाती रहे, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो।